राधे राधे सेवा समिति द्वारा पोटिया कला स्थित भागवत आश्रम में 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया था, जहां भगवताचार्य पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी ने अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराया। शिव महापुराण कथा का समापन पूर्णाहुति के साथ हुआ। भगवताचार्य पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी ने कथा के अंतिम दिन की कथा सुनाते हुए भक्तों से कहा कि शिव के महात्म्य से ओतप्रोत यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इस अलौकिक शिव महापुराण की कथा सुनना अर्थात पाप से विमुक्त होना है। राधे राधे श्याम से विराधे ओहो आ बन बन जे हो जे धन्य भागवत आश्रम पुटिया कला धाम। अरे अति आनंद की बात थी। और आज हमारे श्रीवास्तव जी पूर्ण परिवार 5 दिवसीय शिव महापुराण शिव की महिमा पूर्ण के और आज रथ यात्रा पावन अवसर पर बड़े सुंदर रथ भी निकाले हैं पोटिया कला बस्ती में घूमे, सब दर्शन पाए हैं, गजा मुंह सब लिए हैं, भगवान के दर्शन ही बहुत है। आज रथ यात्रा में उनके दर्शन के लिए, और ये भी कहा गया कि मेरे भगवान अपने भक्तों के दर्शन के लिए निकलते हैं, मौसी घर जाते हैं भाई, और बड़े सुंदर दर्शन दे करके फिर सबके हाँ मनोकामना पूर्ण करते हैं। सब भक्त दर्शन करके हाँ भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, बड़े सुखमय जीवन जीते हैं। साल भर में आषाढ़ महीना रथ यात्रा तेवशुद्धि एकादशी के बाद एक रथ यात्रा भगवान के यार, और भगवान ही हमारे सब कुछ है। कहा गया सबका मालिक एक भगवान हमारे, जो कभी राम बने के और कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना, ऐसे पुकार लगाया हमारे आपके पूर्वज, और उनके पुकार सुनकर भगवान हर बार आए, बार बार आए, कई बार आए, कितने बार आए, भागवत में आए 24 बार भगवान आए, मछली बन गए, कछुआ भी बन गए, वही वामन भगवान अभी बड़ा भी है। और ऐसे उस भगवान को अवतार स्वरूप देकर के भेजे शिव की कृपा रही। शिव महापुराण में शिव सब कुछ है और सबके देव के देव महादेव सबके गुरु है। और ऐसे शिव बार बार बरमांग हो, हमारे छत्तीसगढ़ में राजू लोचन भगवान प्रकट है जो स्वयं विष्णु देव है ना, त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद के समान हमारे राजीव धाम महानदे सोढ़ो पैरी त्रिवेणी संगम जहाँ कुलेश्वर महादेव नदी के बीच में है, वो हर हर महादेव और हमारे राजलोचन हरि है। हरिहर हरिहर क्षेत्र छत्तीसगढ़ यहाँ निपट जाए कि आशंकाओं के बीच में भगवान भोलेनाथ भगवान की कृपा से और शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से आज पंच दिवसीय शिव महापुराण की कथा समाप्त हुई। भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरी शिव पुराण की कथा संपन्न हुई। सबसे बड़े खुशी की बात यह है कि इसमें बच्चों की उपस्थिति बहुत प्रशंसनीय थी, जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हुआ, और ढेर सारे भक्तजनों ने यहाँ आशीर्वाद शंकर भगवान का पाया है। अगली बार जब भी मौका मिलेगा जो भक्तजन चूक गए हैं अगली बार इस कथा में अवश्य उपस्थित होकर दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। पूरे शिव पुराण की कथा में जिनका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो भी सहयोग रहा है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाबा भोलेनाथ के असीम कृपा आशीर्वाद को लेकर के हमारे भागवत आश्रम पोटिया कला, जहाँ श्री राधे राधे सेवा समिति के तत्वाधान में सुंदर पंच दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा आयोजित रही, जिस कथा के समापन की ओर आज हम रहे। कथा के समापन दिवस में भगवान श्री जगन्नाथ का महापर्व, जगन्नाथ जी का महापर्व रथ यात्रा का यह महापर्व रहा। कथा के समापन के पश्चात नगर में शोभा यात्रा में हम और आप मिलकर के साथ चले। धन्य हैं श्री राधे राधे सेवा समिति का विशेष सहयोग रहा इस कथा में, और बोरसी नगर और पोटिया कला गांव जहाँ के श्रोता समाज जो बढ़ चढ़ कर इस कथा में हिस्सा लिए और कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ किए। मैं चाहूँगा राधे राधे सेवा समिति का ऐसा ही साथ रहे,
ताकि और इससे भी बढ़कर के बृहद रूप में हम और कथा आयोजित करें।